indeed. Is the best of Australia. Guys, देख लो ये सामने जो दिख रहे हैं ना एक नहीं दो नहीं तीन नहीं more than 100 kangaroos और wallabies हैं. कभी अगर आप केन्स में आते हो तो ट्रिनिटी बीच पे आओ और रास्ते में ये सब्जियां आपको देखने को मिलेंगी. ओके, अभी हमने वो wallabies और कंगारू की जो व्यू ली थी ट्रिनिटी बीच पे, वहां से हमें ये कैब मिली है. And he's from India. Your name, please? Jude. Jude. और वो 11 साल से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है. And nice meeting you, sir. और यहाँ पे ये टूर एजेंसी ऑपरेट करते हैं. Jude नाम है सर, दिखिए आप, ये रहा कार्ड. बाकी टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये आपको सर देंगे. अगर आप यहाँ पे किन्स में आते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो और क्या बेटर रहेगा, कितने दिन का प्लान होना चाहिए, उस टाइप का कुछ. तो सर कितने दिन के लिए यहाँ पे, अगर केन्स में मोस्ट ऑफ दी जो फेमस प्लेसेस वो कवर करने, कितने दिन के लिए यहाँ पे आना चाहिए हमें? हाँ जी, पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट मैट, दैट्स हाउ दे से इन ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब आएंगे, ऑस्ट्रेलिया 3 गुना बड़ा है इंडिया से, ठीक है. तो आप जब भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आप पहले स्टेट वाइज जाओ, ठीक है. तो सिर्फ मैं केन्स के बारे में बात करूँगा अभी. केन्स में अब लगभग आपको 7 डेज की पैकेज होगी, उसमें आप सब कुछ कवर कर सकते हैं. 10 दिन का परफेक्ट होगा, 10 दिन आप यहाँ पे रुकेंगे. अच्छा, तो आप सब कुछ देख सकते हैं. इतनी सारी जगह है यहाँ पे 10 दिन के लिए, मतलब? हाँ जी. ओह वाह. हाँ जी, आप तो सुना होंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ. हाँ, आज हम वहीं पे गए थे, ग्रेट बैरियर रीफ से होके आ रहे हैं. हाँ जी, ग्रेट बैरियर रीफ नंबर 1 है, उसके बाद में रेन फॉरेस्ट है, और उसके बाद में कुरंडा विलेज है, और रेन फॉरेस्ट स्टेशन है, जबकाई है, स्काई डाइविंग है, बंजी जंपिंग है, कनोइंग है, कायाकिंग है, स्विमिंग है, स्नॉर्कलिंग है, डाइविंग है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछनी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया की पैकेज के बारे में बात करनी है, तो आप मेरा वेबसाइट पे जाइए, www.traveltriangleaustralia.com.au. और आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं. मेरा नंबर है +61449807621. आपको कभी भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, जो भी आपको जानना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए. मैं खुशी खुशी से आपको गाइड करूँगा और इन्फॉर्मेशन भी देगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. थैंक यू. बाय द वे, इज फ्रॉम बेंगलोर इन इंडिया, और 11 साल हो गए वैसे यहाँ पे इनको ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, दैट इज़ गुड. जैसा आपको बताया इन्होंने, 7 दिन 10 दिन या मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 5 दिन के लिए तो आओ यहाँ पे, अगर ये सारी चीज़ें नेचुरल जो
प्लेसेस हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं, उनको अगर एंजॉय करना है, जगह मस्त है। और ग्रेट बैरियर रीफ पे तो जाना बनता ही है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो केन्स में जाना बनता है। और कभी भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन, कुछ हेल्प या कुछ पैकेज के बारे में डिटेल चाहिए तो सर ने आपको बताया कि उनकी वेबसाइट का नाम बताया और फ़ोन नंबर भी दिया, और मैं भी उनकी वेबसाइट और ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। यू कैन यूज़ देम एनी टाइम, जस्ट रीच आउट टू दिस गाय फ्रॉम इंडिया। मैं ये बोल रहा था कि हमारा स्टाफ और गाइड जो जो भी है वो अबाउट 9 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस बात करते हैं, साउथ का भी और नॉर्थ का भी। तो हमें सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, एडिलेड की पैकेज भी करते हैं, हमारे ओन कोचेस फॉर्म भी चलते हैं। और जब भी आपको ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की जो भी कभी भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है सर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए, जस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली और इवन फॉर कॉर्पोरेट्स ग्रुप्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हमें आपको खुशी खुशी से स्वागत करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और एनी टाइम यू आर वेलकम टू कॉन्टेक्ट। ये बैरन रिवर है, ये बहुत ही सुंदर रिवर है, ये लोकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे फिशिंग, क्रैबिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो बहुत ही सुंदर है। Village up from the hill, passes through this way, and then it connects to the sea on the left. आज का मौसम भी काफी अच्छा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। वैसे यहाँ पे कैसा केन्स में वेदर, कैसा है, हॉट रहता है कैसा? हाँ जी, यहाँ पे ट्रॉपिकल है ना, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, गर्मी और अभी तो बहुत अच्छा है मौसम, क्योंकि हमको बारिश आया था दिसंबर से, बहुत बारिश आया, अभी बारिश ख़त्म हो गया, तो उसके लिए मौसम आजकल बहुत अच्छा भी है और बहुत अच्छा है। ओके, और बेस्ट टाइम कब है यहाँ पे किसी को अगर केन्स आना है? जी, बेस्ट टाइम आना है आपको तो विंटर टाइम में आइए, क्योंकि विंटर टाइम में यहाँ पे गर्मी उतना नहीं रहते। तो सम टाइम बिटवीन सेप्टेम्बर जुलाई की बात है, ठीक है? ओके, ऑगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिस मंथ इज़ वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा है, यहाँ के मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो अगर आपको थोड़ी सी गर्मी चाहिए तो यू कैन कम बिटवीन मार्च एंड अप्रैल एंड दिसंबर, जनवरी ऑल्सो यू कैन कम, बट दिसंबर जनवरी इज़ अ वेरी वेरी पीक सीजन, पीक सीजन, बिकॉज हॉलीडे वगैरह भी आएंगे, बहुत एक्सपेंसिव होंगे, मगर मौसम बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा होगा। That's because New Year, Christmas, and you get all the and holidays also, right? Yeah. Chinese and Japanese people, everybody come. So I think आपको बहुत ज़्यादा information मिल गई है। अगर आपको कभी भी इधर आना है तो you can get in touch with Jude and get all the information. तो फिर और एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा WhatsApp number है +61449 807 621, or you can go on to my website www.traveltriangleaustralia.com.au. Okay, thank you so much.